और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम्हारी ननंद मेरी बहू बनकर आने वाली। आप क्या कह रही है? सच? यकीन नहीं आता? बस मालो सिंदूर मित्तल को। अगर मैं सिंदूर आंटी की बात मानती हूँ तो नूपुर जी नाराज हो जाएगी। हमें तो वही करना पड़ेगा जो सिंधु कह रही है, क्योंकि हमारी दोनों छोरियों का रिश्ता सिंधु रानी की वजह से तय हुआ। हस्बैंड और वाइफ में प्यार भले ही कम हो, लेकिन दोस्ती दोस्ती कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला किया है। इसे काफी देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, आप अंदर आइए ना, चाय नाश्ता। नहीं, नेक्स्ट टाइम। वो कह रहा है कि आज बहुत सारा काम। ये मनन भाई कहाँ रह गए? भाभी बता रही थी कि रणवीर जी ने कॉल किया था, आपको कुछ कहना था। क्या कहना था आपको? हाँ, मैं वही बताना था और बता दूंगा कि जो कहना आज ये पॉपकॉर्न अच्छा है, आप खाइए ना, आप अच्छे पॉपकॉर्न बने हैं। किसने बनाया है? आप ये कहना चाहते थे? हाँ नहीं, मतलब ये आपको नहीं लगे अच्छे पॉपकॉर्न? अच्छे। मनन भाई आया छोटे, मैं देख के आती हूँ। प्लीज। वो रणवीर आपको बुला रहा है। हाँ, मैं चलता हूँ जी, बाय। जाने दे उन्हें। कुछ चाय पानी पूछते हैं ना? नहीं, कम से कम मुंह तो धो लेती। ऐसे निहारिका और मैं बेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट निहारिका को मॉम ने मेरे लिए चूज किया, तो डेफिनेटली निहारिका अच्छी होगी। मैंने सुमन से ये क्यों कहा कि निहारिका को मैं सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ और वो मेरी मॉम की चॉइस है। निहारिका और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी लड़की है, आपको समझती है, जानती है। और दो अच्छे दोस्त अगर जीवन साथी बन जाए ना, तो जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाती है। क्या सुमन की बात सच है? एक दूसरे को खुश रखने के लिए सिर्फ दोस्त होना काफी है? मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं और निहारिका एक दूसरे के लिए राइट है भी या नहीं? देखती जाओ। रणवीर की शादी ऐसे होगी ना कि सारा इंदौर देखता जाएगा। हाँ एक मिनट। मैं कम इन मॉम। शालिनी, I'll just call you back, okay? Come in, रणवीर। तुम्हें कब से अपनी मॉम के रूम में परमिशन लेकर आने की जरूरत पड़ गई? वैसे अब मुझे तुम्हारे रूम में नॉक करके आने की आदत डालनी पड़ेगी, मेरे बेटे की शादी जो हो रही है। मॉम, मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी। बोलो ना। नहीं ऐसे नहीं, आप यहाँ बैठे। बैठ के कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनाने वाला है क्या तू? मॉम। अच्छा बोल। मॉम प्रॉब्लम ये है, सबको लगता है कि मैं निहारिका को लाइक करता हूँ, सबकी छोड़िए, इनफैक्ट निहारिका को ये बात लगती है कि मैं उसको लाइक करता हूँ, बट ऑनेस्टली आई डोंट। पॉइंट पे आओ रणवीर। मॉम, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं खुद पसंद करूँ। सिंदूरा रणवीर,
ये इंदौर दिल्ली नहीं है, जहां रिश्ते की बात होकर अगर टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निहारिका अच्छी लड़की है, तुम्हारे हर लिहाज से परफेक्ट है और हमारे फैमिली स्टेटस को मैच भी करती है रणवीर। Come on, mom. Seriously? Family status? ठीक है, वो हमारे फैमिली स्टेटस को मैच करती है, लेकिन लेकिन मेरी फीलिंग्स, मैं क्या फील करता हूँ, वो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है रणवीर, शादी दो लोगों के बीच नहीं तो परिवार के बीच में होती है, इसीलिए हमने निहारिका को तुम्हारे लिए चूज किया। और अगर तुम मेरी नजरों से देखो तो निहारिका एक अच्छी वाइफ और परफेक्ट बहू बनने के लायक है। ठीक है, मान लेते हैं कि निहारिका एक अच्छी लड़की बिल्कुल है, बट मॉम एक बात बताइए, एक लड़की जो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ओवरनाइट उससे शादी कैसे कर लूं? Now I understand. ये शादी के पहले की नर्वसनेस है जो हर लड़के को और हर लड़की को होती है। I don't know, mom. I know, बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इतनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। अगर सिंदूरा आंटी ने निहारिका को आपके लिए पसंद किया है तो आपके लिए वो परफेक्ट ही होगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है। Are you listening? जी मॉम। अगर तुम्हें निहारिका से ज्यादा अच्छी पूरे इंदौर में कोई लड़की मिल गई, आई मीन जैसे तुम्हें चाहिए, तो सीधे मेरे पास ले आना। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम, तुम्हारी खुशी मैं खुद भी नहीं। लेकिन याद रहे, तुम्हें लड़की 6 दिन के अंदर ढूंढनी है। पर एक बात बताऊं, निहारिका बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, सोचो मत, शादी कर लो उससे, खुश रहोगे रणवीर, ट्रस्ट मी। I trust you, ma. I love you, my बेटा। मासा की खुशी की खातिर से शादी की तारीख करीब आ रही है, एक तरफ हमारे साहिल है जो संजना से दूर भाग रहा है और दूसरी तरफ मनन जो अंतरा के करीब जाते जा रहा है। अब हमें ही कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे दोनों छोरियों की असलियत सामने आ जाए और उनसे पीछा छूटे हमारे बेटों का। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चमन जी, आप मासा को यहाँ किचन में क्यों लेकर आए? छौंक की वजह से अगर उनकी खांसी फिर से उठ गई तो क्यों लाए उन्हें? मैंने कहा था। अच्छा तो ये सब छोड़, ये बता के क्या बना रही है? मासा, हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मेरा मन तो ना आज बढ़िया सा खाना खाने को कर रहा है, पूड़ी हलवा। मासा मासा रुकिए, तेरे हाथ के बने खाने के बाद ना मैं तुझे यही दुआ दूंगी कि तुझे भी मेरी बहू जैसी बहुएं मिले, एकदम अन्नपूर्णा सी। जिस छोरी के हाथ में स्वाद हो वही छोरी अपने परिवार की खुशियों को समेट कर रख सकती है। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता तो जुबान से होके गुजरता है। मासा, हमें ना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है, क्यों ना हम अपने होने वाली तीनों बहुओं को घर बुलाकर उनके हाथ का खाना खाए। हमारा मतलब ये है कि हम उन तीनों का एक कंपटीशन करवाते हैं, कुकिंग कंपटीशन। व्हाट एन आइडिया, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम जल्दी से उन्हें फोन कर देते हैं। फोन कर ले और मेरे लिए बना फिर खाना। जी मासा, आप चलिए हम बनाते हैं। ठीक है चमन। मासा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजना और अंतरा की पोल तो अब हम सबके सामने खोल कर रहेंगे, सिंदूरा भाभी की संस्कारी छोरियों की असलियत सबके सामने आकर रहेगी। हे महाकाल, हो गया सत्यानाश। और मासा कल ही इन दोनों को मित्तल सदन बुलाया है। मासा, अब क्या होगा, मेरे को तो ब्रेड सेकने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है।
और बायकॉट विद्या का समासा, मुझसे साफ सफाई और बर्तन तो हो सकता है। उन्हें साफ सफाई वाली नहीं चाहिए, बहू चाहिए जो अच्छा खाना पका सके, खाने के लिए तैयार हो, लेकिन कुछ काम करने के लिए कह दो तो सांप सूंघ जाता है। अब इन दोनों को डांटने से क्या फायदा, हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि हम करें क्या। तू और सर चढ़ाए ने, राजकुमारियां भी अपनी सैन कक्ष से बाहर निकल जावे, पर ये ना वहां बैठी रहेंगी। अभी चार दिन पहले भाभी को कौन बोल रहा था कि पता नहीं मेरी छोरियां कितने दिन रुकी है, इन्हें ना किसी चीज पे टोकना मत, और अब देखो खुद गुस्से से लाल पीली हो रही है ये फालतू में। इतना क्या अगले तुम्हारे कोई दोस्त दे, कुछ सीख अपनी छोटी बहन से, वो कम से कम तोड़ फोड़ करती हुई रसोई में तो पहुंच जावे, अपनी भाभी का हाथ बटाने पर तू शीशे के आगे खड़ी रहे और करती रहे मेकअप। Okay, होगा। अब अच्छा ठीक है माता, आप परेशान मत हो, हम ना सीख लेंगे खाना बनाना, है ना आंटी, सीख लेंगे ना अब। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो, सॉरी मारे से ना बोलो सॉरी। अरे जिन्हें तुम वो खिलाओगी ना, और दो मिनट नूडल, और तू ऐसा करियो फैशन की फूफी जो ब्रेड होगी ना उसमें थोड़ा सा लिट्टी स्पिटिस और पाउडर लगा के धर दियो आगे, और फिर कहियो सॉरी। सॉरी चाची। मासा वैसे भी ना बहुत देर से डांटे जा रहे हो, पर इसमें गलती सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी है। अरे कभी कुछ काम करने ही नहीं दिया तो सीखते कहाँ से, सारा काम तो भाभी सा करती रहती है। वो तो इसलिए कि मेरे होते हुए तुम दोनों को कभी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना, पर अब अरे होने देती इन दोनों को परेशान। बताओ मैंने मित्तल सदन में जाके इनके गुणों के बजा दिए ढोल, और अब खुलेगी इनके पोल। अरे तू क्यों गला फाड़ रही है, मारे तो वैसे ही टेंशन के मारे बीपी बढ़ा जा रहा है, सर में दर्द हुआ जा रहा है, तू है कि चिल्ला रही है। माजा के इस वजह से हमारा रिश्ता ना टूट जाए। अरे कभी तो सुबह सुबह बोला कर, जो मुंह में आए बक देती है। संजू शांत हो जाना, ऐसा नहीं सोचते। मासा अगर आपकी इजाजत हो तो मित्तल सदन इन दोनों के साथ मैं भी चली जाऊं। मासा भरोसा रखिए, मैं वहां जाकर इन दोनों को बता दूंगी कि कैसे क्या बनाना है, संभाल लूंगी मैं सब कुछ। चमन जी आप तो पूरी सब्जी मंडी उठा लाए। मछली भाभी सिर्फ सब्जी लाया, मंडी वहीं छोड़ाया। उप्स। मॉम अकेले इन तो भार किसने छोड़ा, पूरी सब्जी मंडी उठा ले। सब्जी लेकर आए हैं, मंडी वहां छोड़ के आए हैं। That's funny. अच्छा मॉम ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारी जो नुपुर चाची है ना, उन्होंने एक मिडिल क्लास आइडिया निकाला है सबको एंटरटेन करने का। और वो क्या है? तीनों बहुओं के बीच में कुकिंग कॉम्पिटिशन। रियली? यस। तीनों बहुएं, यू मीन टू से संजना भाभी, अंतरा भाभी और निहारिका रणवीर। मॉम एंड हाइट पता है तुम्हें क्या है? नुपुर ने दादी साहब को भी कन्विंस कर लिया। वाओ यस। अच्छा एक काम करते, क्यों ना आप इस कंपटीशन को जज कर ले, आई मीन इट विल बी सुपर फन। रियली? या बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम अपनी मॉम को रणवीर, तुम्हें पता है कुकिंग इज नॉट फन फॉर मी। हाय आंटी। हाय निहारिका, हाउ आर यू बेटा? गुड आंटी, हाउ आर यू? वेरी वेल एंड बाय द वे स्टॉप कॉलिंग मी आंटी नाउ, यू बेटर स्टार्ट कॉलिंग मी मॉम। हियर आंटी, आई मीन मॉम। इसे भी तो हाय बोल दो। हेलो। कम सिट। हाउ इज मॉम डैड? बोथ आर फाइन आंटी। आई एम सो सॉरी मॉम। अरे भाभी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। आइए ना प्लीज। कैसी आप? हाय सुमन। हाय। वैसे तुम लोगों को मैंने निहारिका से नहीं मिलाया। निहारिका ये है संजना, साहिल की फियांसे, और ये है अंतरा, मनन की फियांसे, और ये है निहारिका, रणवीर की होने वाली वाइफ। आज के कंपटीशन के लिए एक्साइटेड?
ऑल सेट जी जी नमस्ते नमस्ते अरे संजना और अंतरा तुम लोग आ गए नमस्ते नमस्ते अरे चाची संभाल के सॉरी भाभी सॉरी चाची आप क्या कर रही है अरे क्या बोले बेटा हमारे ग्रह ही उल्टे चल रहे हैं दोनों खुश रहो बेटा हमारे तो ग्रह उल्टे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उल्टा ही चलेंगे तुम लोग बैठो क्या बोले उल्टे ग्रह की वजह से हमें उल्टा ही चलना पड़ेगा अरे निहारिका कैसी हो नमस्ते आंटी आप प्लीज बैठिए ना नहीं बेटा अभी बस थोड़ी देर और खड़े रहना होगा हमें क्यों ओहो बस डेढ़ बजते ही हमारी सारी दिशाएं सीधी हो जाएंगी हाँ अरे सुमन बेटा अच्छा किया जो तुम संजना और अंतरा के साथ आ गई लेकिन याद रहे तुम कुकिंग कॉम्पिटिशन में उन दोनों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि हमारी नजर सब पर रहेगी जी आंटी वो ये दोनों अपने होने वाले ससुराल में पहली बार खाना बनाने वाली है तो डर रही थी तो मासा ने मुझे इन दोनों के साथ भेज दिया पर आप चिंता मत कीजिए मैं इन दोनों की मदद नहीं करूंगी तो हम जानते हैं तो एक काम करना ना सुमन तुम हमारे और रणवीर के साथ रहना क्या है कि हम नहीं चाहते कि कहीं भी थोड़ी भी चूक हो जाए क्यों सिंदूरा भाभी वैसे चाची एक बार भाभी की तरफ देखिए तो देखिए कितना डर रही है दोनों एक काम करते सुमन को भाभियों के पास रहने देते और रही बात चीटिंग की तो मैं हूं मैं देखूंगा कि ये लोग चीटिंग ना करें तो वरी ठीक है ध्यान रखना और हम भी ध्यान रखेंगे हे शिव जी अब मैं संजना और अंतरा की मदद कैसे करूंगी कई संजू और लाडो जी कॉम्पिटिशन हार गए तो मासा वैसे भाभी दादी साहब को इम्प्रेस करने के लिए आज आप क्या बनाने वाली वो क्या स्पेशल रेसिपी होगी अब वो जी वो एक तू बता ना तुमने डिसाइड किया था ना जी वो हम देसी तरीके से खाना बनाने वाली है देसी तरीका जी हाँ मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनेगा इससे क्या है दादी सा को गांव के देसी खाने का स्वाद भी मिलेगा और साथ ही खुशबू भी सो यू मीन टू से द स्मोकी इफेक्ट राइट इंटरेस्टिंग तो ठीक है फिर सुमन हम चमन जी से कहकर सारे इंतजाम बाहर करवा देते हैं चलिए चाची आज तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा मेरे सुपरमैन्स को देखकर शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती माँ अरे मनन भाई आइए ना मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ आइए आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ ये है हमारी संजना भाभी उनको भी जानता हूँ वो निहारिका है ना मैं जानता हूँ आइए ना हाँ तो हम कह रहे थे संजना अंतरा और निहारिका तुम तीनों के पास कुकिंग कंपटीशन के लिए सिर्फ एक घंटा है हैराम एक घंटे से याद आया सिंदूरा भाभी टाइम क्या हुआ है 1:35 लो हमारे ग्रह तो सीधे हो गए हम भी सीधे हो जाते हैं तो तुम लोगों के पास एक घंटा है ठीक है अच्छा बेटा निहारिका तुम क्या बनाओगी थैंक्स आंटी बट मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती क्यों क्योंकि आंटी मैंने काफी टाइम से कुकिंग नहीं की मैं अभी भी कुकिंग नहीं करती हूँ एंड शादी के बाद भी नहीं करूंगी एंड आई थिंक आंटी ये कंपटीशन से ना एक दूसरे में जेलिसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है एंड आई डोंट वांट ना कि हम तीनों में ऐसा कुछ हो हे शिव जी काश इसी बात पर ये कंपटीशन कैंसिल हो जाए आई होप मेरे ना कहने से आपको बुरा नहीं लगा होगा आंटी आई मीन मॉम No, no, not at all, Niharika, not at all. In fact, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ. Actually, मैं भी नहीं चाहती कि तुम तीनों में कभी कोई जलसी हो और कभी ऐसा मौका पड़े कि मुझे किसी एक का साइड लेना पड़े. ये मासा की इच्छा है. तो कुकिंग कॉम्पिटिशन में तुम्हें हिस्सा तो लेना ही चाहिए. मेरा मतलब तुम्हारा फर्ज है. नूपुर, तुम समझ नहीं रही. निहारिका ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है कि जहाँ उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते हैं
उसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? नहीं मॉम, मुझे लगता है कि घर में डोमेस्टिक हेल्प होने के बावजूद भी हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। और रही बात इस कंपटीशन की, तो कंपटीशन में कौन हारता है कौन जीतता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंपटीशन दादी सा की खुशी के लिए रखा गया, और मुझे लगता है निहारिका की दादी की खुशी के लिए तुम्हें तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। पति, दादी सा को खुश करने के लिए खाना ही क्यों बनाना है? मैं उन्हें कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी तो दे सकती हूँ, या फिर मैं उन्हें किसी होटल में ले जाकर डिनर करवा सकती हूँ, राइट? कितना डिफरेंस है निहारिका और सुमन की सोच में। निहारिका अपने पैसों से दादी सा को खुश करना चाहती और सुमन अपनी मेहनत से, जबकि उसका तो इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं। ऑनेस्टली ये सोच तो इस घर की बहू की होनी चाहिए, बट निहारिका तो दूर दूर तक ऐसी नहीं। कहीं निहारिका से शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा?